तो ये वीडियो जो है ट्यूटोरियल टाइप होगी कि मैं शेडिंग कैसे करी, फेस के अंदर फेस बनाया किस तरह से। तो मेरी एक फ्रेंड है, उससे मैंने एक फ़ोटो मांगी थी, तो उसने मुझे अपने बचपन की फ़ोटो दी, तो वो मैंने ड्रॉ की इसके अंदर। तो मेरे ड्रॉ करने के हमेशा तरीके अलग होते हैं। अगर बहुत बार मैं ड्रॉ करता हूँ तो ओवर हैंड ग्रिप से सामने बोर्ड को रख के रफली ड्रॉ करता हूँ, और फ्लो के अंदर ड्रॉ करता हूँ, जैसा मुझे ठीक लगता है मैं उस तरह से स्ट्रोक्स लगाता हूँ, जैसे ओल्ड मास्टर स्केच करते हैं उस तरीके से। बट मैं कभी कभी थोड़ा रियलिस्टिक वर्क भी करता हूँ, तो रियलिस्टिक वर्क करने के लिए, स्मूथ टेक्सचर के लिए, फिर स्मूथ स्किन टोन के लिए मैं जिस तरीके से ड्रॉ करता हूँ उस तरह से मैंने वीडियो बनाई है कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है। तो मैंने स्मूथ टेक्सचर यूज़ करके ड्रॉ किया है, ज़्यादातर मैंने ग्रेफाइट पाउडर को यूज़ किया है और लाइट पेंसिल्स को यूज़ किया, और डार्क पेंसिल्स के लिए मैंने चारकोल के यूज़ किया है। तो उसको जोड़ के उसको उसके साथ मैंने ड्राइंग बनाई है, तो किस तरह से बनाई है आप देख लेना। तो वीडियो के अंदर जो मैंने पेपर लिया है वो नॉर्मल पेपर है, स्मूथ पेपर है बहुत, और स्मूथ शेडिंग करने के लिए या फिर स्मूथ टेक्सचर के लिए जो कि हमें पाउडर से नज़र आते, तो उसके लिए मैंने स्मूथ सरफेस वाला पेपर लिया है। आप मोटा कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो, कार्ट्रेज आपके पास जो अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो। और मैंने चारकोल पाउडर के लिए जो डस्ट निकलता है, हम जब भी शॉप करते पेंसिल पर तो उसमें से डस्ट निकलता है, फिर आप घर पे बना सकते हो, आपको बस सैंड पेपर चाहिए। सैंड पेपर के ऊपर आपको अपनी पेंसिल की टिप या फिर चारकोल जो है चारकोल पाउडर चाहिए, तो चारकोल की टिप को आपको रब करना है, उसके बाद आपको जो पाउडर मिलेगा तो आप उसको एक डब्बे में कलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा ग्रेफाइट है, चारकोल पाउडर हो गया। उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग करने के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया है, और आपके पास अगर ब्लेंडिंग स्टम्प ना हो तो आप कॉटन बर्ड या फिर टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी उंगली से भी स्मजिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके पास शेडिंग करते समय ये ब्रश तो होना चाहिए, आपको ये अराउंड 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का मार्केट मिल जाएगा इजीली। उसके बाद आपको चारकोल पेंसिल चाहिए, चारकोल पेंसिल आप अप्सरा के ले सकते हो, फिर किसी ब्रांड के ले सकते हो, अभी आपको मार्केट मिल जाएगा। तो मैंने अप्सरा की यूज़ किया। उसके बाद मैंने ग्रेफाइट के लिए मैंने ग्राफ गियर की पेंसिल यूज़ की है, जो कि 4B की लीड है। आप कोई भी 4B की पेंसिल यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने कोई सी नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि अप्सरा, फेबर कैसल, कैमलिन को जो भी हो आपके पास, आपको बस टोन देना है। और मैंने शेडिंग चारकोल पाउडर से की है, जो डार्क एरियाज है उसको मैंने चारकोल की मदद से शेड किया है, और टोन्स के लिए जो मिड टोन्स हाईलाइट्स वगैरह है उनके लिए मैंने ब्रश को ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया है, और मिड टोन वगैरह के लिए मैंने ग्राफ गियर की पेंसिल का यूज़ किया है। आपको पेंसिल को एकदम लाइट प्रेशर लगा के चलाना है, लाइट प्रेशर का यूज़ करके आपको जो भी आपकी आउटलाइंस वगैरह बना सकते हो। आउटलाइंस के लिए आप या तो ग्रिड मेथड का यूज़ कर सकते हो, और आपको अगर फ्री हैंड आता है ड्रॉ करना तो फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो, और आपको अगर सीखना है कि फ्री हैंड कैसे ड्रॉ करते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ के ऊपर डाल रखी है कि फ्री हैंड कैसे ड्रॉ करते हैं। और आपको फिर भी अगर मुझसे एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि फ्री हैंड ड्रॉ कैसे करते हैं। और इस वीडियो को मैंने, इस आउटलाइंस को मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया, और फ्री हैंड ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको, ताकि वीडियो में दिख सके इसलिए मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, और डार्क करने के बाद मैं इसके अंदर शेडिंग करूँगा। तो अभी तो मैं जल्दी जल्दी इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, डार्क करने के बाद मैं शेडिंग शुरू करूँगा। आइज़, नोज़ और लिप्स के दौरान आप ब्लॉक्स देख लेंगे, मैं ब्लॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लॉक्स इसलिए ताकि मैं इसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकूँ। वैल्यू उसको कहते हैं कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना लाइट और कितना डार्क है। तो जो ब्लॉक्स है उसके अंदर में जो डार्क एरियाज है, जो शेडोज वाले पार्ट है वो आएंगे, उसको ड्रॉ कर लेने से जो डिटेल है उसको आसानी होती है ऑब्जर्व करने के लिए, इसलिए मैंने उसे ड्रॉ किया है। अभी मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ली है, और जो आइस का पोर्शन है मैं उसके अंदर हल्के हल्के से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ एकदम स्मूथली, ताकि मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, धीरे धीरे से ड्रॉ कर रहा हूँ,
ताकि मेरे जो स्ट्रोक्स है वो बाहर ना चले जाए, क्योंकि एक बार अगर ये बाहर चले गए तो निशान छोड़ देंगे और वो निशान हमारे ड्राइंग के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल ही आराम आराम से मैं चारकोल पेंसिल की मदद से जो हमारा आई वाला पोर्शन है उसको धीरे धीरे शेड कर रहा हूँ। और शेड करने का तरीका ये है कि आप या तो एचिंग का यूज़ करें ड्रॉ करने के लिए, या फिर क्रॉस एचिंग का यूज़ करें, या फिर आप स्क्रिबलिंग का यूज़ करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एचिंग का यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर उसके बाद आप लेयर बाद लेयर ड्रॉ कर सकते हो, लेयर बाद लेयर उसके अंदर डाल के आप जो आपका एरिया है उसे डार्क कर सकते हो। आप शुरुआत में अगर सॉफ्ट पेंसिल ना ले तो आप हार्ड या मीडियम ले, ताकि पहले आप लाइटली ड्रॉ कर सको। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लाइट टू डार्क जाओ, ना कि डायरेक्टली डार्क चले जाओ। मैंने इसके अंदर डायरेक्टली डार्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है, इसीलिए। ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं थोड़े जो टोन्स है, जो मिड टोन्स वगैरह है वो दे सकूँ। अब मेरे जो ब्लेंडिंग सिस्टम है उसमें क्या है कि जब मैं चारकोल को ब्लेंड कर रहा था उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो चारकोल के निशान है वो छूट गए, तो उस निशान को हम ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चारकोल की पेंसिल को लेकर अब उस जो मैंने टोन्स डाले उसको मैं थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ लेयर बाय लेयर। अब मैं आईब्रोज को ड्रॉ करने के लिए भी चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आईब्रो डार्क है, और उसे ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। ब्रश का यूज़ करके हम पूरी ड्राइंग बनाने वाले हैं, तो ज़्यादातर मैं ब्रश का इस्तेमाल करूँगा ड्रॉ करने के लिए। जो मेरे पास ग्रेफाइट पाउडर है या फिर जो चारकोल पाउडर है, मुझे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है उसको, और अप्लाई करके लाइट टोन के बाद मिड टोन, माइट टोन के बाद अगर जहाँ पे डार्क टोन है वो ड्रॉ करना है। और जो भी मिड टोन वगैरह है वहाँ पे मैं अपनी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो ग्रेफाइट पेंसिल है, जो मैकेनिकल पेंसिल है उसको यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो टोनल वैल्यूज़ वगैरह है मैं उसको ड्रॉ कर सकूँ। उसके बाद उसको भी ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं जो टेक्सचर है उसको स्मूथ रख सकूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ करिए, बट ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ ना करिए उस जगह पर, क्योंकि वो जो जगह है वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वो स्किन का एरिया है। और जो ब्लेंडिंग स्टम्प आप यूज़ करोगे एज अ बिगिनर, तो ब्लेंडिंग स्टम्प जो है मार्क्स छोड़ देगा, और वो मार्क्स जो है आप बाद में अगर रब करना चाहोगे तो रब नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये तो टिश्यू पेपर का यूज़ करो, और ब्लेंडिंग जितनी हो सके इतनी कम ही करो। तरह तरह आप फोकस फोकस करो कि आप जो वैल्यूज़ है उसे बराबर ऑब्जर्व करके वैल्यूज़ के हिसाब से आप ड्रॉ कर सको। और ये जो रबड़ में यूज़ कर रहा हूँ ये नीडेड इरेजर है, ये आपको स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा। और आपके पास अगर नीडेड इरेजर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर को थोड़ा सा कट करके उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। ये जो रबड़ है यूज़ होता है जबकि आप जो लाइटली अगर आपको ग्रेफाइट पिक करना है किसी जगह से, थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है लेकिन आपको वो एरिया थोड़ा ज़्यादा लाइट चाहिए, तो उसके लिए वो नीडेड इरेजर हमें काम आता है। अब जो नोज के जो आसपास वाला एरिया है जहाँ पे थोड़ी डेप्थ आती है वहाँ पे मैंने टोनल वैल्यू डाली है, और टोनल वैल्यू को ब्लेंड करने के लिए मैं स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। और मैं स्टम्प का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि मैं स्टम्प का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, मैंने रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मेरी प्रैक्टिस है और मुझे पता है कि मुझे कितना प्रेशर देना है स्टम्प के ऊपर, ताकि मैं एक वैल्यू क्रिएट कर सकूँ, और मुझे पता है कि मैं वहाँ गलती नहीं करूँगा। और आप देख सकते हैं कि जो नाक का एरिया है वहाँ पे जितने भी मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ अपने मैकेनिकल पेंसिल की मदद से डाल रहा हूँ, वहाँ पे मैं पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि इस जगह पे हम जब अगर पाउडर का यूज़ करेंगे तो मेरे पास जो पाउडर है वो थोड़ा लाइट शेड देता है, तो जो डार्क एरियाज है उधर मुझे अगर पाउडर से यूज़ करना है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं पहले थोड़ी टोनल वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले जितने भी डार्क एरियाज़ है मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने ब्लॉक्स बना रखे हैं डार्क एरियाज़ के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि वहाँ पे वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो उन ब्लॉक्स के अंदर थोड़ी थोड़ी आप टोन डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर ओवरडू कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉस एचिंग करके उसके शेड कर सकते हैं। अब मैंने जो सेकेंड आई उसके लिए भी सेम मेथड यूज़ किया है, मैंने आई को धीरे धीरे चारकोल की मदद से एचिंग करके, क्रॉस एचिंग करके उसे बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ।
एज़ यू कैन सी मैं अभी ज़्यादातर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ ड्रॉ करने के लिए, टोनर वेल्यूज डालने के लिए। तो जो हमारा फेस वाला एरिया है या फिर जो बच्चे का जो फेस वाला एरिया है वो बहुत ही स्मूथ है, उसमें ना ही कोई दाग लगा है ना तो कोई एक रफ़ टेक्सचर, तो उनका जो स्मूथ स्किन टेक्सचर जो है एकदम स्मूथ है। तो उसे ड्रॉ करने के लिए हमें रफली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, स्मूथ ड्रॉ करने की जरूरत है। और स्मूथली शेडिंग करने के लिए जो इतने सॉफ्ट चीज़ें होती है, सॉफ्ट चीज़ें लाइक ब्रश या फिर कॉटन या फिर टिश्यू पेपर, उनका यूज़ किया जाता है। और आप ये ज़रूरी है कि आपके वो टोनल वैल्यूज़ के आपको बताना चाहिए, वैल्यूज़ के बारे में आपको खासकर बताना चाहिए। जब तक आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज या फिर बेसिक फंडामेंटल आपको नहीं पता तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे जितना उसे होना चाहिए, या फिर जो आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में कि फेस के किस हिस्से में कितनी वैल्यूज़ ऐड होंगे या फिर लाइट डार्क को ऑब्जर्व करना आपको नहीं आएगा तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। आप भले जितनी भी प्रैक्टिस कर लो तो आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप या तो बेसिक नॉलेज कहीं से सीख सकते हो या फिर आप खुद ही प्रैक्टिस करते हो। तो घर पर आप जो अपने आसपास के जो एरिया होते हैं जहाँ पर लाइट डार्क आपको दिखाई देता है वहाँ पर आप देख के उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत बार जो बिगिनर होते हैं वो बिना सीखे ही सब चीज़ चालू कर देते हैं और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं और ड्रॉ करना छोड़ देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर ड्रॉ करना सीखना है तो आप डायरेक्ट फेस फेस से ही ड्रॉ करो, फेस से ही शुरुआत करके ड्रॉ करो। आपको जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं स्टिल लाइफ हो गई, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसे प्रैक्टिस करते समय आपको जो टोनल वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ क्रिएट करना, कंपोजिशन, प्रपोर्शंस वगैरह, उसका आपको पता चलेगा। तो वो चीज़ें ड्रॉ करना ज़रूरी है और सीखना आपको ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना और चीज़ों के बारे में परफेक्टली नॉलेज होना, तो वो ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप अगर कोई अपना रेफरेंस ड्रॉ करो, अगर आपको ड्रॉ करना आता है और आप कमीशन वर्क्स वगैरह ड्रॉ करते हो, तो ज़रूरी बात यह है कि आप सबसे पहले जो आप ड्रॉ करने वाले हो, जिस रेफरेंस को आप ड्रॉ करने वाले हो, उसको पहले ही आप एक उसको ओरिजिनली ड्रॉ करने के पहले उसको या तो आप 2 से 3 बार ड्रॉ करके देखो और देखो कि आप को फिर उसके अंदर और क्या चीज़ें ऐड करनी है ताकि आप उसको और सुंदर बना सको, ना कि आप डायरेक्टली ड्रॉ करने लग जाओ। तो ये एक टिप है कि आप अगर कमीशन वर्क ड्रॉ करते हो आगे जाके, तो एक टिप है कि आप कोई भी अपने एक आर्ट वर्क बनाने वाले हो तो उस आर्ट वर्क को बनाने के पहले, उसे ड्रॉ करने के पहले उसके उसकी वार्म अप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जहाँ पे बच्चे का कैप स्टार्ट हो रहा है, जो आपको घुंघरू दिखाई दे रहे हैं तो वो थोड़ा ब्लर टाइप है, बट उस घुंघरू को हम जैसा दिख रहा है, जो ब्लर टाइप में हमको जो डिज़ाइन दिख रही है उसे हम धीरे धीरे ड्रॉ कर लेंगे। और उसे एकदम धीरे धीरे ड्रॉ नहीं करना, आपको बस उसको फील करना है कि वो वहाँ पे अगर मौजूद है उस जगह पे जो पार्ट आप ड्रॉ कर रहे हो तो किस तरह से उसके एंगल्स होंगे और प्रपोर्शंस होंगे। तो मैं उसी तरह से उसे ड्रॉ कर रहा हूँ और मार्किंग कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे किस जगह पे लाइट रखना है एरिया को, किस जगह मुझे डार्क रखना है। तो डार्क वाले एरियाज़ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइट वाले को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और जहाँ मुझे शेप्स दिखाई दे रहे हैं मैं सिर्फ शेप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, उन शेप्स को मैं बाद में शेड कर दूँगा। अब बेबी के हेड वाले एरिया को शेड करने के लिए मैं सबसे पहले अपने मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ करके फर्स्ट लेयर शेडिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट लेयर के अंदर हम शेडिंग करते हैं कि जब हमें एक वैल्यू मिल जाती है, एक बेस लेयर मिल जाती है, उसके बाद हम उसके अंदर जो डार्क एरिया उसको डार्क करने के लिए सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर ऐड कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर हम ऐड कर सकते हैं ताकि जो वॉल्यूम मिल सके उसके अंदर और जो वैल्यूज़ हैं डार्क वैल्यूज़ लाइट वैल्यूज़ वो हमें मिल सके और जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएशन है वो लाइट से डार्क, डार्क से लाइट की तरफ में, उसी लिए हम बेस लेयर ऐड करते हैं उसके अंदर। उसी बेस लेयर को ऐड करने के बाद उसे ब्लेंड करूँगा, ब्लेंड करने के बाद मैं
उसके अंदर जो भी डार्क अगर पार्ट होगा, आसपास के जो डार्क एरिया वाले पार्ट होंगे उसके अंदर मैं शेडिंग कर दूंगा। एज यू कैन सी मैंने जब उसे हैचिंग करके मैंने सब बेस लेयर डाली थी तब थोड़ा रफ दिख रहा था, लेकिन मैंने जब ऐसे उसके अंदर ब्रश को अप्लाई किया ब्लेंड करने के लिए तो जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ हो गए। अब मैं जो मिडिल एरियाज़ है जहाँ पे जो घुंघरू वाले एरियाज़ है जहाँ पे लाइट शेड आने वाले हैं वहाँ पे लाइट शेड करेंगे, और जहाँ पे डेप्थ है जहाँ पे डार्क एरियाज़ है जो कैप है बच्चे की वो कैप अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ की जो डार्कनेस दिख रही है, जो शेडोज दिख रही है अंदर के जो डार्क एरिया है डेप्थ है, वहाँ पर मैं चारकोल को यूज़ कर रहा हूँ, ग्रेफाइट का यूज़ कर रहा हूँ, मैं चारकोल को यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे डार्क एरिया सबसे ईजिली मिल सके और ब्लेंड होने के बाद में ग्रेफाइट के साथ में वो चीज़ अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंड स्टम का यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास ना हो तो आप कॉटन बर्ड का यूज़ करें, कॉटन का यूज़ करें, फिर अपने फिंगर्स का यूज़ करें। जैसे कि आप देख सकते हो जो चारकोल है वो ग्रेफाइट के साथ में ब्लेंड हो गया है। वैसे चारकोल और ग्रेफाइट को ब्लेंड करना आसान नहीं है, तो अगर उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप जो कम मात्रा के अंदर चारकोल का यूज़ करें, जैसे बॉर्डर वाले इलाके होते हैं जहाँ पे शेडोज वाले इलाके होते हैं वहाँ पे आप चारकोल का यूज़ करिए, और कम मात्रा में चारकोल का यूज़ करें और ज़्यादा मात्रा में आप ग्रेफाइट का यूज़ करें, और ग्रेफाइट के अंदर ज़्यादा डार्क पोर्शन जो जिसमें ज़्यादातर आपको डार्कनेस चाहिए रहती उसी डार्क एरिया को आप शेड करने के लिए चारकोल का यूज़ करें। अगर आपको लाइट एरिया को शेड करना है वहाँ पे आप चारकोल यूज़ ना करें, अगर वहाँ पे करेंगे तो चारकोल जो है स्मूथ नहीं होता है, रफली ड्रॉ होगा, और आपको अगर ब्लेंड करोगे ग्रेफाइट के साथ में तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो ग्रेफाइट के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से वो जो टोन होता है जो एक टेक्स्चर जो होता है ग्रेफाइट का वो चारकोल के साथ बिल्कुल नहीं बैठेगा और आपकी जो ड्राॅइंग है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो उसे बैलेंस से रखने के लिए चारकोल को एकदम बैलेंस अमाउंट के अंदर यूज़ करें, और कॉन्ट्रास्ट एरिया जो है जहाँ पे डार्कनेस आपको चाहिए चारकोल की वहाँ पे आप चारकोल यूज़ करें, और जो आपके मिड टोन वाले एरियाज़ है या फिर लाइट टोन वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे आप ग्रेफाइट का यूज़ करें। और ग्रेफाइट के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी पेंसिल यूज़ कर रहे हो आप उसका यूज़ करें, आपके पास जो पेंसिल हो अवेलेबल उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आपको लाइट एरियाज़ के लिए लाइटली प्रेशर देकर लाइट पेंसिल को यूज़ करना है, और डार्क एरियाज़ को आपको लाइटली प्रेशर देके डार्क पेंसिल से शेड करना है। अब देख सकते हैं जैसे मैंने बेसलेट ड्रॉ किया था, बेसलेट ड्रॉ करने के बाद अब जो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शेड आएगी यहाँ पे थोड़ा डार्क होगा, जहाँ पे डार्क होगा वहाँ पे मैं शेडिंग कर रहा हूँ, और जहाँ पे लाइट होगा वहाँ पे मैं लाइट ही रहने दे रहा हूँ, उसे शेडिंग नहीं कर रहा। उसे मैं जब ब्रश लूँगा हाथ में तब उस एरिया को मैं लाइट टू डार्क की तरफ ब्लेंड कर दूँगा। जो लाइट एरियाज है वहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रश को चलाएँगे ताकि जो डार्क एरिया है जहाँ पे मैंने पेंसिल के निशान लगाए वो एरिया डार्क एरिया की तरफ ब्लेंड हो जाए, और लाइट जो एरिया है वो अलग ना दिखे। अब उसे देने के बाद में जो डार्क एरियाज है जहाँ पे मुझे डार्क इफेक्ट चाहिए या फिर मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़े डार्क मार्क्स चाहिए वहाँ पर मैं अपना जो पाउडर है जो ग्रेफाइट पाउडर है मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेफाइट पाउडर आप मार्केट से ना मिले आपको तो आप घर पर बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सैंड पेपर के ऊपर अपने जो पेंसिल है उसे रब कीजिए और जो पाउडर निकलेगा आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसी की मदद से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो बहुत काम की चीज़ है। तो उसी का यूज़ करके जो डार्क एरियाज है मैं वहाँ पे थोड़ी और डार्कनेस को डालने के लिए उस पाउडर को यूज़ कर रहा हूँ।
अब जो हमारा फेस है वो तो रेडी हो चुका है, और मैं चाहूँ तो इसके अंदर और डेप्थ क्रिएट कर सकता हूँ और उसको थोड़ा और रियलिस्टिक बना सकता हूँ और थोड़ा टेक्सचर ऐड कर सकता हूँ, बट मुझे उसे ओवरड्यू नहीं करना, नहीं तो मैं बोर हो जाऊँगा और स्केच कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसे कंप्लीट करने के लिए मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड ड्रॉ करना शुरू करते हैं, और बैकग्राउंड ड्रॉ करने के लिए पीछे एक फ्लावर की डिज़ाइन है, फ्लावर के डिज़ाइन के लिए मैंने पहले चारकोल से जितना मुझे लगा उतना मैंने टोन डार्क कर दिया, डार्क करने के बाद ब्लेंडिंग से थोड़ा ब्लेंड किया। अब जो फ्लावर के लीव्स है उसे मैं अच्छे से ऑब्जर्व करके धीरे धीरे जो टोन मुझे दिख रही है जो डार्क एरियाज को डार्क करने के लिए चारकोल की मदद से मैं डार्क एरियाज को शेड करूँगा, ब्लेंड करूँगा, फिर शेड करूँगा। यही मेरा पैटर्न यही रहेगा कि पहले शेड करना, क्रॉस हैचिंग करके, हैचिंग करके उसके बाद ब्लेंड करना, जितना ब्लेंड जितना कि आपको रेफरेंस के अंदर जो आपके फोटोग्राफ के अंदर जो अभी आप ड्रॉ कर रहे हो वहाँ पे आपको जो शेड वाले इलाके दिख रहे हैं, जो भी डार्क एरियाज, जो कम डार्क एरियाज वाली जगह है जब एकदम लाइटली लाइटली जो परछाई आपको दिखती है, या फिर कोई एरिया ऐसा एरिया दिखता है जहाँ पे एक स्मूथ टेक्सचर होता है कुछ, या फिर ऐसा एक शेडो टाइप कुछ दिख रहा होता है, तो उन शेडोज़ के लिए हम ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से और ब्रश की मदद से ड्रॉ करेंगे। ये वाला पार्ट मतलब जो कैप वाला पार्ट है, जहाँ पे कैप है तो कैप के अंदर मिड टोन है और लाइट टोन है, ज़्यादा डार्कनेस नहीं है, तो मुझे उसे बिल्कुल ही स्मूथली ड्रॉ करना है। जो कैप पर जो ट्रांजिशन होगा, जो फोल्ड है कैप के फोल्ड, उसे दिखाने के लिए हम ब्रश और ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करेंगे। मैं ब्लेंडिंग स्टम्प के अंदर थोड़ा सा पाउडर लूँगा, जो भी पाउडर वगैरह है उसको ब्लेंडिंग स्टम्प में लेके मैं अप्लाई करूँगा पेपर के ऊपर, ताकि जो मार्क्स हैं मार्क्स पेपर पे अच्छे से ऑप्ट हो सके और एकदम स्मूथली ऑप्ट हो सके। और ब्लेंडिंग स्टम्प से इस तरह के पैटर्न्स बनाना और डिज़ाइन बनाना थोड़ा इजी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से जो डिज़ाइन है, जो कैप के अंदर मुझे थोड़ी थोड़ी विजिबल डिज़ाइन है, उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये एक ट्रिक है चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए। इस ऐसे ट्रिक्स आपको एक्सपेरिमेंट करने पर पता चलते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हो अपने मन से, अपने टूल्स की मदद से, कि आप उससे और क्या चीज़ें कर सकते हो, तब जाके आपको इसके बारे में पता चलता है। हालांकि मैं ये जो वीडियो है थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो
तो मुझे नहीं पता कि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो या फिर आपने बंद कर दोगे, लेकिन अभी तक जिसने भी इस वीडियो को देखा है और अभी तक अगर आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो कमेंट करके मुझे बताना कि मैं आगे आपको किस तरह से वीडियो बना के दूँ, किस तरह के आपको वीडियोस चाहिए। और थैंक यू इस लंबी वीडियो को एंड तक इतना देखने के लिए। हालांकि ये जो ड्राइंग इतना सुंदर बनी नहीं है, फिर भी मैंने इसके अंदर जो आपको सिखा सकूँ, जो मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने आपके साथ इसको शेयर करा है। तो थैंक यू जुड़े रहने के लिए। तो थोड़ी बहुत डिटेलिंग और बाकी है, जो कपड़े वाला पोर्शन है वो थोड़ा बाकी है, बस उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी।